आज की हेडलाइन पर। भतीजी की शादी में पेरोल पर आया कैदी फरार। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल महंगा, सरकार ने सऊदी अरब से मांगी मदद। पादम में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में महिला को किया प्रताड़ित। अब खबरें विस्तार से। भतीजी की शादी में पेरोल पर आया कैदी फरार, आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कैदी। रईस राजवंशी यह नाम बताया जा रहा है। यह मामले में बिहार के नवादा की दर्शाई जा रही है। रविवार की सुबह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। कैदी पर हत्या अपहरण मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर शनिवार को पैरोल पर भतीजी की शादी के लिए छोड़ने की अनुमति दी गई थी। बताया जा रहा है कि नवादा मंडल कारा से उसे शनिवार को छोड़ा गया था। सीतामढ़ी में बेटी की शादी के बाद उसे रात में घर लाया गया था, तभी वो वहाँ से फरार हो चुका था। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल महंगा, सरकार ने सऊदी अरब से मांगी मदद। नई दिल्ली आम चुनाव की घोषणा से पहले पेट्रोल डीजल के दामों में फिर तेजी को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक अपील की है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश के सऊदी अरब से कच्चे तेल की दरों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया प्रधान ने। शनिवार रात भारत में यात्रा पर आए सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री खालिद अल फलीह के सामने ईंधन की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और कीमतों में कम करने की अहम भूमिका निभाने की मांग की है। पावधन के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाति के लिए महिला को दी गई तकलीफ। चार लोगों पर अनुसूचित जाति जमाती के नीचे केस दर्ज किया गया है। आज के दौर में कौन किस जाति से है ये नहीं पूछा जाता है। कभी भी काम के क्षेत्र में जात पूछी नहीं जाती है, लेकिन ऐसा हुआ है। बता दें कि आज के दौर में आप काम कैसे कर रहे हैं उस पर आपकी क्वालिफिकेशन तय की जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ये बहुत जरूरी पड़ता है, ऐसा बताया जा रहा है कि लेकिन बावधन यहाँ के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक महिला को वो पिछड़ा वर्ग होने के कारण चार सरकारी कर्मचारियों ने महिला को मानसिक यातनाएं देने का मामला सामने आया है। इस मामले में हिजवड़ी पुलिस ने अनुसूचित जाति और जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कानून के अनुसार कंपनी के खिलाफ मैनेजर के साथ ही चार लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में 23 साल की महिला ने मामला दर्ज किया गया है। यह प्रकार बावधन के ऑरवेल फाइनेंशियल सर्विस इस सॉफ्टवेयर कंपनी का है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए।